हेलो जी, मैं हूँ सुनीता और आप देख रहे हैं सुनीता कॉर्नर। सबसे पहले आपको नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई। आज नवमी है तो आज नवरात्रे ख़त्म हो गए हैं, तो कल दशमी है, दशहरे की तैयारी में है सब। तो मैं कई जगह गई, मैंने देखे वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बना रखे थे। मैंने वीडियो भी बनाई थी पर वो वीडियो मेरे से डिलीट हो गई। तो चलो कोई बात नहीं, आज हम बात करेंगे खेतरी के बारे में कि लोग मंदिरों को सजाते हैं, नए कटोरे वो मिट्टी वाले लेके आते हैं, उसमें खेतरी बीजते हैं जो कि बहुत ही धान्य का प्रतीक है। जौ होते हैं, जौ से वो पनपती है खेतरी, काफ़ी बड़ी हो जाती है, कम से कम 7-8 इंच के वो निकल आते हैं। तो बहुत बहुत ही खुशहाली का प्रतीक है कि खेतरी है, तो काफ़ी अच्छी बात मानी जाती है। लेकिन लोग, कई लोग उस खेतरी का क्या करते हैं मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन मैंने तो देखा है वो कई जगह पेड़ों के नीचे रख देते हैं। तो आज मैं आपको वही दिखाती हूँ, आप मेरे साथ देखिए कि कई लोग खेतरी का क्या करते हैं। ये देखिए, ये माता रानी की चुनियाँ पड़ी हुई हैं, ये देखिए यहाँ पे सारा कुछ यहीं रखा हुआ है लाके। ये देखिए जिनमें चुनियाँ लपेटते हैं, ये देखिए यहाँ तो भगवान जी की फ़ोटोएं थी जो मैंने उठा के भी ऊपर रखी हैं। ये ऊपर की तरफ भी है, ये देखो ये इसमें भी बांध के रखा हुआ है, अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये देखिए, पहले आप पूजा करते हैं उसके बाद आप फिर ये इतने बुरे हाल करते हैं इनके। ये देखो बीच में ही वो है, मिट्टी का कसोरा भी है और उसी में खेतरी है। ये देखिए आप कितने प्यार से 9 दिन पूजा की होगी, उसके बाद इसका ये हल्के, ये माता रानी की फ़ोटो देख लो, ये मैंने उठा के अभी ऊपर रखी है थोड़ी देर पहले, यहाँ गंदगी में पड़ी हुई थी ये नीचे। क्या फ़ायदा फिर ऐसी पूजा का जिसका अंत इतना बुरा होना है, भगवान जी भी कितना दुखी होते हैं। आप इस तरह से इनमें कसोरों में पौधे लगा सकते हैं, ये देखिए पौधे लगा रखे हैं कितने सुंदर। मैंने ये पिछली बार 2 उठा के लेके आई थी, इस बार तो जो मैंने उठाए वो तो मैं वहीं रखा ही, पक्षियों के पानी के लिए रख के आई हूँ। लेकिन आप इस तरीके से भी तो यूज़ कर सकते हैं ना, आप क्यों फेंक देते हैं ले जाके उसको वहाँ पे कचरे के अंदर जिसकी आपने इतने दिन पूजा की होती है। ये देखो ये देखिए, सब देखा होगा कि ये खेतरी का क्या हुआ और ये कैसे गंदगी में पड़ी हुई है। जब हम खेतरी बीजते हैं, जब उसकी पूजा करते हैं, 9 दिन देवियों की पूजा करते हैं, तो हम उसके साथ हमें ये सलूक नहीं करना चाहिए। हमें खेतरी को तो पेड़ों की जड़ों में डाल देना चाहिए क्योंकि वो तो अनाज ही है, तो वो तो एक तरह से खाद बन जाएगी। और जो कटोरे होते हैं वो पक्षियों के पानी पीने के काम आ जाते हैं, या फिर आप उसमें पौधे लगा सकते हैं, जैसे कि देखा कि आपने मैंने लगा रखे हैं। मैं तो ये सड़क के किनारे से उठा के ले आई थी, इस बार भी लेके आई हूँ, लेकिन इस बार मैंने उसमें पौधा नहीं लगाया। मैं उसको सड़क के किनारे जब पक्षी पानी पीते हैं वहीं पर उसके साथ ही एक बार कटोरा रखा ही। पर मुझे बहुत दुख होता है कि देखा आपने कि वहाँ पे कितनी गंदगी थी, उसी में जो चुनिया जिसके साथ वो खेतरी लपेटते हैं वो चुनिया भी वहीं पड़ी हुई थी गंदगी में, और वहीं पे माता रानी की फ़ोटो भी पड़ी हुई थी। तो बड़े अफसोस की बात है कि जो लोग 7-9 दिन तक पूजा करते हैं और इतना वहम करते हैं कि कोई भी इसको छुए नहीं, इस मंदिर में कोई आए नहीं, मतलब किसी भी तरह का वो उसको अशुद्ध नहीं होने देना चाहते हैं, तो वो फिर अपनी इस पूजा का ऐसे क्यों करते हैं, क्यों खेतरी को ऐसे कचरे में डाल देते हैं, फूलों को डाल देते हैं, फ़ोटोओं को डाल देते हैं। जिन फ़ोटोओं को आप इष्ट मानते हो उन फ़ोटोओं को आपको नहीं डालना चाहिए उसके अंदर, अगर आपने उसको प्रवाहित ही करना है। अगर चलो यहाँ नहीं है जमुना जी यहाँ पास में कहीं पर हमारे, अगर तो आप उसको मंदिर में रख दें, मंदिर में आप रखेंगे तो जब मंदिर वाले जो हैं वो अपना जब भेजते हैं सारा सामान जितना भी वो फेंकना होता है तो वो शायद वो प्रवाहित कर देते होंगे। तो इस तरीके से आपको ये फ़ोटो को, इसको खेतरी को इस तरीके से ना फेंकें, ये अनादर है परमात्मा का, मुझे लगता है कि ये अनादर है। तो आप मेरी इस बात पे ज़रूर गौर करें और आगे से इन जो कटोरे होते हैं जिसमें आप ये बीजते हो उसमें या तो पानी डालें पक्षियों के लिए या फिर आप उसमें पौधे लगाएं। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखें, थैंक यू सो मच।